योगी संजय प्रजापत ने बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा से एक्सक्लूसिवली बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए सर। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार सर उपचुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवार की अधिकृत रूप से घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चिर परिचित उम्मीदवार अशोक पिंचा पर ही मोहर लगाई है। अशोक पिंचा ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और अशोक पिंचा को बधाइयां देने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। अशोक पिंचा हमारे साथ है, इनसे जानते हैं। सर, आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और उपचुनाव लगातार राजस्थान के अंदर है, वो भाजपा हार रही है, तो किस प्रकार नैया पार लगाएंगे? ऐसा है कि भाजपा लगातार राज के कारण से कुछ दबाव रहता है, लेकिन सरदार सर में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। पिछले 4 साल का जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार रूपी देखा है और जो कन्याओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो पानी की बिजली की समस्या है उससे आम आदमी त्रस्त हो गए हैं। यहाँ पे 3,000 किसानों के परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 2 साल पहले डिमांड नोटिस भर दिया, आज तक उनका विद्युत का कनेक्शन नहीं हुआ। उन किसानों के 10-10 लाख रुपये लगा के आज इस सरकार ने छोड़ दिए, 3,000 परिवार ऐसे। और इस सरकार के आने के बाद में किसी भी किसान को 6 घंटा प्रतिदिन लाइट नहीं मिली। कुएं, जो भी इरिगेशन वाले ट्यूबवेल वाले किसान हैं उनके हाहाकार मचा हुआ है। अगर समय पर बिजली मिले तो क्रॉप बढ़ती है, उनको फ़ायदा होता है। न यूरिया मिलती है, न DAP मिलती है। केवल ये सरकार ट्रांसफ़र करने में होटलों में समय व्यतीत किया है। इन दोनों की लड़ाई से पूरे प्रदेश का नुकसान हुआ, एक सरदार सर तहसील का नुकसान नहीं हुआ है। इस बात का जवाब सरदार सर की जनता देगी। सरदार सर की जनता देगी। बहुला शर्मा काफ़ी दिग्गज नेता रहे थे, लगातार आपके उनसे दो दो हाथ होते रहे थे और अब उनके निधन के बाद में सद्भावना और सिंपैथी की भी लहर चल रही है, तो इससे किस प्रकार निपटेंगे? आप अगर सिंपैथी की लहर मानते हो तो आपका इच्छा है, लेकिन जो मेरे सामने जो उम्मीदवार लड़ रहा है 2 साल से मंत्री है, उन्होंने सरदार शहर के हित में और जनता के हित में क्या काम किए? तो निश्चित रूप से अगर वो लगातार बीमार थे, कोई कच्ची मौत हुई नहीं है, तो इसलिए कोई सिंपैथी वाली कोई बात नहीं है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि थोड़ी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हताशा हो जाए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इतने बुलेट हैं कि इस कोई भी सहानुभूति लहर नहीं है और निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के अंदर एकमात्र अनिल शर्मा ही टिकट मांग रहे थे, उनकी टिकट भी लगभग फाइनल चल रही है। भाजपा के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा दावेदार थे, इस हिसाब से पार्टी के अंदर बगावत होना और पार्टी को डैमेज करने के लिए डैमेज कंट्रोल है, वो किस प्रकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद में कोई विवाद नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है कि आज विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है कि बहुत खुशी होनी चाहिए कि जिस पार्टी में 10 आदमी टिकट मांग रहे हैं, तो वहाँ तो प्रजातंत्र व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो तो सोचते हैं कि राजा का जो बेटा वही राजा बनेगा, लेकिन मतदाता राजा मनाते हैं आजकल, राजा का बेटा राजा नहीं मनता। आप क्या मानते हैं कि ये चुनाव कांटे का चुनाव होगा? कांटे का चुनाव है नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांटा क्या होता है? ये थे अशोक पिंचा जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और 6ठा चुनाव ये लड़ रहे हैं, लगातार भंवरलाल शर्मा के सामने लड़ते रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक बार जीत भी दर्ज की थी और 5 में से 4 चुनाव हारे हैं। 6ठी बार पार्टी ने फिर अशोक पिंचा पर विश्वास जताया। अब देखना है कि भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा से किस प्रकार का परिणाम आता है, ये तो मतदाता ही तय कर पाएंगे। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापत।